तो हम लोग एग्जाम्पल में आ गए हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्विटी शेयर वाले का वोट, इक्विटी शेयर कैपिटल वाले का यहाँ क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का वोटिंग राइट नॉर्मली नहीं होता, बट हम लोग 5 केस देखे थे जिसमें वोट कर सकता था प्रिफरेंस शेयर कैपिटल वाला। अब ध्यान दीजिए, ये भी क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। अब टोटल वोट जो होगा वो कितना परसेंट होगा, वो 100% होगा। टोटल वोट होने वाला है कितना परसेंट, 100% होने वाला है। बट पहले तो इक्विटी शेयर वाले को तो वोटिंग राइट होता ही है, तो मान लो इक्विटी शेयर वाले का पहले कितना था, 100% था। पहले मान के रखते हैं 100% था, ये था पहले इक्विटी शेयर वाला वोट कर सकता था। बट यहाँ प्रेफरेंस शेयर होने वाले को वोट करना पड़ रहा है, वो 5 रीजन में से किसी भी रीजन की वजह से प्रेफरेंस शेयर वाला भाई अब वोट करेगा। तो देखिए टोटल वोट कितना हो सकता है, तो टोटल तो 100% हो सकता है, और मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर वाला 30% इसे मिल गया वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को। क्यों, क्योंकि 5ों रीजन में से कोई भी रीजन से यहाँ पे वोटिंग राइट मिल गया। तो इस केस में इक्विटी शेयर वाले का कितना हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर वाले का 70% हो जाएगा। ये जो पहले 100% था वो अब कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल, तो इसे आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल में आ जाइए आप लोग। एग्जाम्पल में क्या दे रखा हुआ है हम लोग के पास, इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एक्स वाई जेड इन प्रपोर्शन ऑफ 40:40:20। तो यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है, 3 इन्वेस्टर जो 40:40 एंड 20 के रेशियो में इक्विटी शेयर हेल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद एबीसी लिमिटेड होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ 50:30:20। तो यहाँ पे एबीसी भी है जो प्रेफरेंस शेयर 50:30:20 के रेशियो में रखा हुआ है, इसके पास है। इफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 1 करोड़, तो यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़ का है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, 50 लाख का दे रखा हुआ है। तो ये रहा हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मानते हैं 100 लाख और ये मानते हैं 50 लाख। तो इस तरह से अगर टोटल कैपिटल देखा जाए, क्या देखा जाए, टोटल कैपिटल देखा जाए, तो ये हम लोग का कितना आ गया, तो टोटल कैपिटल हम लोग को सम्स में आ गया 150 लाख। यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को। देखिए पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ का था, मतलब 100 लाख का, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे 50 लाख का दे रखा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 150 लाख का। अब इस इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 था, जो था एक एक्स था, दूसरा क्या था वाई था, एंड तीसरा क्या था जेड था। ये एक्स वाई एंड जेड किस रेशियो में बांटा था अपने कैपिटल को, तो यहाँ पे 40:40:20। तो इस 40:40:20 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं ना, 40 डिवाइड बाय 100। इस केस में कितना लिख सकते हैं, 40 डिवाइड बाय 100, एंड इस केस में कितना लिख सकते हैं, 20 डिवाइड बाय 100। यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को। अब प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में भी एबीसी होल्ड करके रखा हुआ है प्रिफरेंस शेयर को भी, तो इस प्रिफरेंस शेयर में भी 3 हो गया पार्ट, जो हो गया ए, फिर हो गया बी, एंड क्या हो गया सी हो गया, जिसमें ए कितना आ जाएगा, तो ए का पार्ट है 50 बाय 100। ये जो हम लोग के पास रेशियो दे रखा है 50:30:20, तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा, 50 बाय 100। फिर बी का पार्ट हो जाएगा 30 बाय 100, एंड सी का पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बाय 100। यहाँ तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर, देन रिलेटिव वेट इन द वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी 2:2:3 एंड 1:3। तो ये देखिए ये कैसे से हुआ था। देखिए पहले अभी तक तो आप लोग को समझ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल कितने था, 100 का था, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 50 का। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में एक्स वाई जेड था जिसका रेशियो दे रखा था, उसके हिसाब से हम लोग देख लिए। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी जो भी रेशियो दे रखा था उसके हिसाब से हम लोग देख चुके हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर देखा जाए, वेट देखा जाए, तो किस तरह से दे रखा हुआ है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, 100 डिवाइड बाई आउट ऑफ 150, और इसमें देखा जाए तो कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 150। अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 100 का है, आउट ऑफ कितना, तो 150 टोटल कैपिटल है, तो 100 डिवाइड बाई 150। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 का है, तो 50 डिवाइड बाई 150। तो इस तरह से रेशियो कितना आ गया, 2:1। अगर जब हम लोग इसे तोड़ेंगे रेशियो को और भी ले जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2:3, एंड कितना आ जाएगा, 1:3। ये 2:3 आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, एंड 1:3 किसका आ गया, तो ये आ गया हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब अगर यहाँ पे अगर वोटिंग राइट किसे मिलेगा, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को वोटिंग राइट मिलेगा, तो उस केस में एक्स का कितना हिस्सा होने वाला है, वाई का कितना होने वाला है, जेड का कितना होने वाला है, प्लस में ए बी सी का कितना होने वाला है, वो हम लोग को यहाँ दे रखा हुआ है। तो देखिए एक्स का कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एक्स क्या चीज होल्ड करके रखा हुआ है, तो एक्स होल्ड करके रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल।
तो इक्विटी शेयर का वेट कितना दे रखा था, इक्विटी शेयर का वेट यहाँ पे 2:1 दे रखा, 2:1 जिसमें 2 क्या हो गया था इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर 2/3 कर दिए। अब प्लस में इसका जो वेट दे रखा था कितना दे रखा था 40/100, तो इसे हम लोग 40/100 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से 4/15 आ गया किसका, तो एक्स का आ गया। इसी तरह से वाई का, तो वाई में इक्विटी शेयर का वेट था 2/3 प्लस में वाई का अपना वेट कितना था, तो 40/100 इसे मल्टीप्लाई करके 4/15। इसी तरह से जेड का, इसी तरह से ए का पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना था, तो 1/3 दे रखा था प्रेफरेंस शेयर का वेट, एंड उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो ए का खुद का वेट दे रखा था, तो 50/100, तो इस तरह से 1/6 आ गया। फिर बी का भी आ गया एंड उसके बाद सी का भी हम लोग को इस तरह से आ गया। जब इसे हम लोग परसेंटेज में ले जाएंगे तो परसेंटेज में ले जाने से हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का रेशियो आ गया 4/15 जो हम लोग को ये दे रखा हुआ है। इसे अगर हम लोग ले जाते हैं परसेंटेज में तो ये आ जाता है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग नीचे में सबका इक्वल करेंगे, एक बार आप लोग लिख लीजिए कॉपी में या कहीं भी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, पॉज करके लिख लीजिए। आप लोग कॉपी में ही आ जाओ, एग्जाम्पल का है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, हम लोग के पास दे रखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड का रेशियो कितना दे रखा हुआ है, 40:40:20 दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास रहा एक्स, फिर वहाँ वाई का एंड जेड का, ये रहा रेशियो हम लोग का 40/100 हो जाएगा, फिर 40/ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एंड उसके बाद 20/100 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। इसी तरह से हम लोग ए बी सी का ले जाएंगे, तो ये देखिए ए बी एंड सी, ए का रेशियो कितना दे रखा हुआ है, तो ए का रेशियो यहाँ पे है 50:30:20, तो 50/100 30/100 एंड 20/100, ये रहा 50/100, ये रहा 50 के बाद 30/100, इसके बाद ये रहा आप लोग का 20/100। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ था 100 का, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ था, ये हम लोग का दे रखा था 50 का। टोटल कितना हो गया 150 हो गया। अगर हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 100/150, और इसका ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 50/150। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ गया, ये कितना आ गया 1/3 आ गया। तो ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड इक्विटी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड में हम लोग इक्विटी शेयर के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 से एंड 2/3 से एक्स वाई जेड में हो गया। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ए बी सी है, तो इसका वेट से हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के वेट से ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3, फिर 1/3 एंड 1/3। जब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80/300, ये हम लोग का आ जाएगा 80/300, एंड ये भी हम लोग का आ जाएगा 40/300, उसके बाद 50/300, एंड ये हो जाएगा 30/300, एंड ये हो जाएगा 20/300। तो ये हम लोग का एक्स वाई जेड एंड ए बी सी का आ गया। जब एक्स वाई जेड ए बी सी का रेशियो निकालें, तो रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 80:80:40:50:30:20 आ जाएगा। तो अगर हम लोग रेशियो में अगर लिखना चाहेंगे तो इसका 8 ले लिए, इसका फिर 8 ले लिए, फिर इसका 4, इसका 5, इसका 3 और इसका 2। तो इस तरह से तो हम लोग ले सकते हैं ना 8:8:4:2:4:5:3:2। तो ये हम लोग आ गया। अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखेंगे, अगर क्या देखेंगे परसेंटेज में देखेंगे, हम लोग का कितना परसेंट आ जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा 26.67% आ जाएगा। फिर इसमें भी आ जाएगा 26.67% इसका, फिर इसके बाद जेड का आ जाएगा 40/300 कर देंगे तो ये हम लोग आ जाता है 13.33%, उसके बाद 50/300 ये कितना आता है
तो ये आ गया हम लोग का 16.67। उसके बाद 30 डिवाइड बाय 300, तो ये आ गया हम लोग का 10%। एंड 20 डिवाइड बाय 300, तो ये हम लोग आ गया 6.67%। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में हम लोग का ये आ गया। आप लोग को यहाँ तक तो कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली क्या करना है, जो रेशियो दे रखा होगा वो रेशियो हम लोग ले लेंगे, जो भी एक्स वाई जेड जो भी इन्वेस्टर होगा वो, और प्लस में उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इक्विटी शेयर का वेट होगा या जो भी प्रेफरेंस शेयर का वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग इस तरह के सम्स में आंसर निकालेंगे कि कितना परसेंट इसका वोटिंग राइट होने वाला है डिफरेंशियल राइट में। ओके, जो यहाँ पे दे भी रखा हुआ है, देयर वोटिंग वोटिंग पावर इज एक्स का इतना हो गया, फिर वाई का इतना, फिर इस तरह से हम लोग का भी ये आ गया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या उससे पहले होगा तो एक ये जो दे रखा हुआ है हम लोग का, ये जो समरी दे रखा हुआ बस हम लोग समरी देख लेंगे, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।